रूस में आर्मी का एक जनरल गिरफ्तार किया गया है और पुतिन के कभी बहुत खास रहे इस जनरल पर संगीन आरोप लगे हुए हैं। पुतिन से विश्वासघात का आरोप इस पर लगा और कहा जा रहा है कि पुतिन के जनरल को वैगनर के विद्रोह की पहले से जानकारी थी, लेकिन इस जनरल ने इसे पुतिन तक कभी पहुंचाया ही नहीं और पहले प्रिगोजिन की गद्दारी और अब जनरल गद्दार निकला। रूस की आर्मी का जनरल गद्दार निकला, पुतिन के खिलाफ जनरल ने की साजिश, वैगनर के विद्रोह के पीछे था जनरल का हाथ, जनरल गिरफ्तार, सजा का इंतजार। रूस की आर्मी में इस वक्त सनसनी मची हुई है। यूक्रेन के मोर्चे से लेकर रूस के बैरकों तक में एक ही बात पर चर्चा हो रही है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से जो खबर मिल रही है वो ये कि जनरल सर्गेई सुरोवकिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस खबर से हड़कंप मच गया है। सर्गेई सुरोवकिन पुतिन के बहुत खास रहे हैं, बहुत करीबी। यूक्रेन मोर्चे पर सर्गेई सुरोवकिन को भेजकर पुतिन निश्चिंत थे, लेकिन पुतिन के जनरल ने ही पुतिन को धोखा दे दिया। जेलेंस्की की सेना के बीच जंग में भी जश्न का दौर आ गया है। चलते यूक्रेन को जैसे बरसती बारूद के बीच मूसलाधार बारिश वाली राहत मिल गई है। सर्गेई सुरोवकिन यूक्रेन में सेना के उप कमांडर हैं। सीरिया युद्ध में सर्गेई ने पुतिन के लिए अच्छा काम किया था। वैगनर चीफ पिरोग्जिन, जिसने रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और आर्मी चीफ गेरासिमो को निकालने की डिमांड की, वो पिरोग्जिन हमेशा सर्गेई सुरोवकिन की तारीफ करता रहा है। सर्गेई सुरोवकिन की ताकत और एक्सपीरियंस को देखकर कहा जा रहा था कि ये रूस के अगले रक्षा मंत्री हो सकते हैं, लेकिन देखते ही देखते सारा खेल बदल गया। सुरोवकिन पुतिन के लिए आस्तीन में सांप छुपाए बैठे मिले तो पुतिन ने बिल से निकाला और डाल दिया सलाखों के पीछे घोर अंधेरे में, जहां से कभी भी किसी के लौटने के कदमों की आहट नहीं आती। युद्ध का दौर हो या शांति का काल हो, जनरल सर्गेई सुरोवकिन ने पिरोग्जिन के साथ मिलकर रूस में पुतिन के खिलाफ विद्रोह की साजिश क्यों रची? जनरल सर्गेई के पीछे भी कोई है जिसके पास असली कमांड है और वो अब तक पुतिन के रडार पर नहीं आया है। वैगनर आर्मी हो या जनरल सर्गेई सुरोवकिन, ये दोनों पुतिन के अपने थे। पुतिन ने इन दोनों पर भरोसा किया, लेकिन दोनों ने धोखा दिया, यहां तक कि विद्रोह कर दिया। जनरल सर्गेई सुरोवकिन की गिरफ्तारी पर रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है। 24 जून को जब वैगनर चीफ येवगेनी पिरोग्जिन की तरफ से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ विद्रोह हुआ, तब से ही सुरोवकिन के गायब होने की खबरें हैं। जनरल सुरोवकिन को पिछले साल यूक्रेन युद्ध में पुतिन ने नया आर्मी कमांडर बनाया था। उस समय इस नियुक्ति को पुतिन की नई रणनीति बताया गया था। सुरोवकिन ने अक्टूबर 2022 और जनवरी 2023 के बीच 3 महीने के लिए यूक्रेन में रूस की सेना की कमान संभाली थी। इसके बाद पुतिन ने चीफ जनरल स्टाफ वालेरी गेरासिमो को इस युद्ध का जिम्मा सौंप दिया था। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सुरोवकिन को रूस के सैन्य नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह भड़काने के पिरोग्जिन की योजना के बारे में पहले से जानकारी थी। 24 जून को पिरोग्जिन के नेतृत्व में उनके सैनिकों ने दक्षिणी रूसी शहर रोस्तोव ऑन डॉन पर कब्जा कर लिया, मॉस्को की ओर मार्च किया और रास्ते में रूसी सैन्य हेलीकॉप्टरों और एक विमान को मार गिराया। बाद में बेलारूस के राष्ट्रपति ओलेक्जेंडर लुकाशेंको की मदद से एक समझौता होने के बाद विद्रोह समाप्त हुआ।
वैगनर विद्रोह ने दशकों में राष्ट्रपति पुतिन के सामने सबसे बड़ी चुनौती और रूस के सामने सबसे गंभीर सुरक्षा संकट को जन्म दिया है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की तरफ से मध्यस्थता के बाद मामला शांत हो सका था। मध्यस्थता के तहत हुए समझौते में निर्वासन के तौर पर बेलारूस में पिरोक्सन का स्वागत करने की बात पर रजामंदी बनी थी। कहा गया कि वैगनर लड़ाकों को पुतिन ने माफ कर दिया है। लेकिन बाद में खबर आई कि विद्रोह की जांच चल रही है, पिरोक्सन की भूमिका निर्धारित की जा रही है। आरोप साबित हुए तो 12 से 20 साल तक की सजा हो सकती है। रूस के अधिकारियों का कहना है कि वैगनर ग्रुप को निहत्था कर दिया जाएगा, लेकिन क्या पुतिन के पास ये काम इस वक्त करने का मौका है? कहा तो ये भी गया कि वैगनर को बेलारूस पहुंचाने के लिए पुतिन ने कमाल का गेम खेला और नाटो देखता रह गया। तो फिर ये क्या है, अपनी ही आर्मी के जनरल के खिलाफ पुतिन एक्शन में क्यों है? पुतिन के हर कदम की चर्चा करते हैं ज़ेलेंस्की, और मुसीबत की इस बेला में पुतिन का जनरल बागी हो जाता है। पुतिन किसी को नहीं छोड़ेंगे, न वैगनर आर्मी के चीफ येवगेनी पिरोक्सिन को और ना ही सर्गेई सुरोविकिन को। Рішення Литви придбати дві установки протиповітряної оборони NASAMS для їх передачі Україні. Дуже дякую. Це дійсно нам потрібно. पुतिन दो दशकों से सत्ता में है और पुतिन के खिलाफ रूस में विद्रोह की जो भी आवाजें आज तक उठी हैं, पुतिन ने सबका सर्वनाश कर दिया है। आपको दिखाएंगे इसकी पूरी डिटेल कि पुतिन के साथ गद्दारी करने वालों का हश्र क्या होता है, लेकिन उसके पहले पुतिन के खिलाफ भड़की आग को उसके विस्तार में समझना होगा, तभी क्लियर हो पाएगा कि रूस की आर्मी के भीतर से जनरल के बेवफाई की खबर क्यों आई सामने। सर्गेई सुरोविकिन ही नहीं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गेरासिमोव भी विद्रोह के दिन यानी 24 जून के बाद नहीं दिखे हैं, ना तो टीवी पर्दे पर ना ही किसी कैंप में। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु जबकि फुल ऑन एक्टिव है। सवाल है, चल क्या रहा है रूस की आर्मी के भीतर? पुतिन के खिलाफ कौन भड़का रहा है सेना को? किसके इशारे पर हुआ रूस के भाड़े के सैनिकों का विद्रोह? और सबसे बड़ा सवाल कि अब आगे क्या है पुतिन का एक्शन प्लान? रूस की आर्मी दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्मी में से एक है। रूस की सशस्त्र सेना का दावा है कि उनके पास करीब 10 लाख सैनिक हैं और आने वाले दिनों में इनकी संख्या 11 लाख तक पहुंच जाएगी। इतनी बड़ी सेना के एक जनरल का विद्रोह में साथ देने की घटना को कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि सर्गेई सुरोविकिन ने पुतिन के दिमाग में शंका का बीज डाल दिया है। सवाल है, जनरल सर्गेई सुरोविकिन चाहते क्या है? उन्हें वैगनर आर्मी की बगावत की रिपोर्ट पता थी तो इसे पुतिन तक क्यों नहीं पहुंचाया? क्या सर्गेई सुरोविकिन चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को हटाकर खुद आर्मी चीफ बनना चाहते थे? क्या पुतिन का तख्ता पलटकर सर्गेई सुरोविकिन नेटो के किसी मकसद को पूरा कर रहे थे? इन सवालों के जवाब की पुतिन डिटेल में जांच के आदेश दे चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि पिछले कुछ समय से पिरोक्सन और रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और रूस के प्रमुख जनरल वालेरी गेरासिमोव के बीच संबंध सामान्य नहीं रह गए थे। पिरोक्सन ने रूस की सेना पर अक्षमता का आरोप लगाया था। वैगनर ग्रुप ने पुतिन को बखमूद जीत कर तो दिया, लेकिन एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया जो पुतिन के गले का फांस बन सकता है। नेटो और पश्चिमी देशों को रूस के भीतर की छोटी सी छोटी चिंगारी के भी आग बनने की चिंता रहती है, क्योंकि कमजोर रूस नेटो की शक्ति के सामने टिक नहीं सकेगा। Auch
sehr viel bewirken, was die Ausbeutung von Ressourcen dieser Länder betrifft, die dann in private Taschen fließen. Und das haben die ukrainischen Bürgerinnen und Bürger gemerkt mit dem furchtbaren Einsatz dieser Truppen in dem Krieg gegen Russlands gegen die Ukraine. जर्मनी उन देशों में से है जिसने यूक्रेन को खूब हथियार सप्लाई किए हैं और पुतिन के खिलाफ खुलकर यूक्रेन के मैदान में ज़ेलेंस्की के साथ हैं। पुतिन जर्मनी को अंजाम भुगतने की ताकीद कर चुके हैं, बावजूद इसके जर्मनी ज़ेलेंस्की का युद्ध का साथी बना हुआ है। लेकिन इसकी चर्चा कभी और, फिलहाल पुतिन के जनरल का सवाल है, क्योंकि पुतिन अपने दुश्मन को सजाए मौत से कम कुछ भी नहीं देते। बिरोक्सिन और जनरल सुरोवेकिन दोनों का हश्र एक जैसा होना है। अब देखना यह है कि ये कब होगा। We'll be right back.